नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चलिए जानते हैं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरों को। बीते 24 घंटे में फिर आए रिकॉर्ड तोड़ मामले। देश में कोविड 19 प्रभावितों की संख्या रुकने का नाम नहीं ले रही है। हर 24 घंटे के साथ रिकॉर्ड तोड़ मामले दर्ज किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बीते 24 घंटे में कुल मिलाकर 48,916 नए मामलों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद भारत में प्रभावितों की कुल संख्या 13,36,861 पर पहुंच गई है, जबकि 757 लोगों की जान जा चुकी है, जिसके परिणाम स्वरूप कुल मिलाकर जान गंवाने वालों की संख्या 31,358 पर पहुंच गई है। वहीं 24 घंटे में 32,223 मरीजों के स्वस्थ होने की खबर भी सामने आई है, जिसके बाद स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 8,49,432 पर पहुंच गई है। वहीं भारत में कुल मिलाकर 4,56,001 मामले सक्रिय हैं। सबसे ज्यादा मामले बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में देखने को मिले हैं। मिली जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र में कुल मिलाकर 9,615 नए मामलों की पुष्टि की गई है और बीते 24 घंटे में 278 लोगों की जान चली गई है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कोविड 19 के वैक्सीन से इम्यूनिटी सिस्टम के बढ़ने की कही गई बात। कोविड 19 के इस माहौल में हर कोई इसके वैक्सीन का इंतजार कर रहा है। इसी क्रम में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से राहत भरी खबर सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार ऑक्सफोर्ड में एक वैक्सीन डेवलप किया गया है जो काफी सुरक्षित दिख रहा है और इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में मददगार साबित हो रहा है। फिलहाल इस वैक्सीन को 1,077 लोगों पर ट्रायल किया जा चुका है, जिसमें पता चला है कि यह ऐसी एंटीबॉडी और व्हाइट ब्लड सेल को तैयार कर रही है जो कोविड 19 से मुकाबला करने में काफी ज्यादा सक्षम साबित हो रहा है। हालांकि अभी यह बताना पाना मुश्किल है कि यह पूरी तरीके से इंसानी शरीर के लिए सुरक्षित है या नहीं। इसके लिए अभी ज्यादा से ज्यादा लोगों पर ट्रायल जारी है। हालांकि ब्रिटेन ने इस वैक्सीन के 100 मिलियन डोज का ऑर्डर पहले ही कर दिया है। राहुल गांधी ने रेलवे द्वारा श्रमिक ट्रेनों से 428 करोड़ कमाए जाने का किया दावा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने श्रमिक द्वारा 428 करोड़ रुपए कमाए जाने वाली एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि मोदी सरकार और रेल मंत्रालय को निशाने पर लिया है, जिसके तहत उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 24 मार्च से देश भर में लॉकडाउन लगने के बाद श्रमिकों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए रेलवे ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू करवाया था। इन श्रमिक ट्रेनों की मदद से ही सरकार मुनाफा कमाने में लगी हुई है, जिसके लिए राहुल गांधी ने बकायदा ट्वीट करके लिखा है कि बीमारी के बादल फिलहाल भारत में छाए हुए हैं, लोग परेशानी में हैं, मगर सरकार बेनिफिट लेने में व्यस्त है। आपदा को मुनाफे में बदलकर गरीब विरोधी सरकार खूब कमाई कर रही है। 24 नवंबर तक घरेलू रूटों पर विमान किराए पर कैंपिंग बढ़ी। कोविड 19 संक्रमण को देखते हुए घरेलू रूटों पर फ्लाइट टिकट के दाम पर जो कैंप लगाया गया था वो उसे 24 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी कि अब साफ तौर पर एयरलाइंस कंपनियां 24 नवंबर तक किराया नहीं बढ़ा सकेंगे। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने इस बात की जानकारी दी है और साफ साफ बताया है कि 21 मई को डोमेस्टिक रूट्स पर विमान किराए पर कैंप लगाने का ऐलान किया गया था। उस वक्त यह कैंप 24 अगस्त तक लगाई गई थी, लेकिन अभी से 3 महीने के लिए बढ़ाया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, देश में 2 महीने से लॉकडाउन के बाद 25 मई से घरेलू रूट पर के संचालन की अनुमति दी गई थी, लेकिन सरकार ने किराए के मिनिमम और मैक्सिमम रूट तय कर दी थी। मंत्रालय का मानना था कि परेशानी के दौर में एयरलाइंस कंपनियां अपनी मनमानी जरूर करेगी, इसलिए किराया वसूलने की छूट कंपनियों को नहीं दी गई थी। हालांकि अब सरकार की तरफ से तय की गई राशि को 24 नवंबर तक के लिए लागू कर दिया गया है। ऑनलाइन पढ़ाई में परेशानी उत्पन्न कर रहे कमजोर नेटवर्क का छात्र ने निकाला तोड़। कोविड 19 के कारण बंद में अभी सभी चीजों को दोबारा से पटरी पर लाने की कोशिश लगातार जारी है। हालांकि इस दौरान शैक्षणिक संस्थान को छोड़कर हर क्षेत्र में थोड़ी न थोड़ी छूट दे दी गई है। वहीं शैक्षणिक संस्थान की बात करें तो सभी छात्रों को घर पर रहकर ही पढ़ने की नसीहत दी गई है और उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, मगर सुदूर ग्रामीण इलाके में मोबाइल के नेटवर्क छात्रों के लिए बड़ी समस्या बन रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले हरीश ने इस समस्या का तोड़ निकाला है और अपनी कुर्सी टेबल को और किताब को लेकर वो सुबह 2 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर चढ़ जाता है, जहां पर जाकर मोबाइल में वो सिग्नल आने के बाद पढ़ाई करता है। पढ़ाई के प्रति हरीश की ललक को देख करके सोशल मीडिया पर हरीश की तस्वीर तेजी से ट्रेंड कर रही है। इतना ही नहीं, इस तस्वीर को क्रिकेट वीरेंद्र सहवाग ने भी ट्वीट करके हरीश की मदद की इच्छा जाहिर की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हुए कोविड 19 संक्रमित। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोविड 19 प्रभावित पाए गए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान की कोविड 19 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया हैंडल से शेयर की है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर कहा है कि मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, मुझे कोविड 19 के लक्षण आ रहे हैं और टेस्ट के बाद मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरे सभी साथियों से अपील है कि जो भी मेरे संपर्क में आए हैं वो अपना कोविड 19 जांच जरूर करवा ले। मेरे निकट संपर्क वाले लोग क्वारंटाइन में चले जाए। कोविड 19 का समय पर इलाज होता है तो व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो जाता है। मैं 25 मार्च से प्रत्येक शाम को कोविड 19 संक्रमण की स्थिति की समीक्षा करता रहा हूं। मैं यथासंभव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोविड 19 की समीक्षा करने का प्रयास करूंगा।
चीन की हर हरकत पर अब रहेगी भारत की नजर। भारत और चीन के बीच उत्पन्न हुए तनाव के बाद भारत ने डिफेंस डील्स में तेजी लानी शुरू कर दी है। इसी क्रम में भारत और अमेरिका से 6 और पोसाइडन एयरक्राफ्ट खरीदने की तैयारी की जा रही है। विमान पहले से ही भारतीय में शामिल है। मीडिया हाउस के एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने करीब 1.8 अरब डॉलर में इस एयरक्राफ्ट के लिए लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जारी कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार यह सौदा पेंटागन के फॉरेन मिलिट्री सेल्स प्रोग्राम के तहत होगा। इस एयरक्राफ्ट को बोइंग बनाती है। फिलहाल हिंद महासागर के अतिरिक्त इनका इस्तेमाल पूर्व लद्दाख में भी सर्विलांस मिशन के लिए हो रहा है। भारतीय ने इसे अपने बेड़े में पहले ही ऐसे 8 एयरक्राफ्ट को शामिल कर लिया है। जनवरी 2009 से जुलाई 2016 तक इन एयरक्राफ्ट को भारतीय नेवी में शामिल किया गया था। वहीं अब किए गए डील के डिलीवरी इस साल के अंत तक होने की उम्मीद जताई गई है। इसकी रेंज करीब 2200 किलोमीटर होगी। इसके अलावा यह 490 नॉटिकल माइल्स या 489 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। 9 राज्यों को टेस्टिंग बढ़ाने और उपाय को कड़ाई से लागू करने का दिया गया निर्देश। भारत में कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं कुछ राज्य ऐसे हैं जो काफी ज्यादा प्रभावित है, जिसमें से सरकार ने सर्वाधिक प्रभावित 9 राज्यों का आकलन किया है और अब इन राज्यों को कठोरता से कंटेनमेंट योजना को लागू करने और टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर देने को कहा है। इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय कैबिनेट सचिव ने एक समीक्षा बैठक की थी। समीक्षा बैठक में कैबिनेट सचिव ने उच्च सक्रिय राज्यों पर केंद्रित समीक्षा के बारे में उन्हें तत्काल टेस्टिंग दर में वृद्धि करने और मजबूती से रोकथाम उपाय को लागू करने का निर्देश दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप केंद्रीय टीम की तरफ से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और असम समेत 9 राज्यों में सक्रिय मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए आदेश जारी कर दिया गया है। बैठक में सभी 9 राज्यों के मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिवों ने भाग लिया था। 400 साल पुराने पेड़ के लिए सरकार ने बदला हाईवे का नक्शा। महाराष्ट्र के सांगली जिले के भोसे गांव के ग्रामीणों की मेहनत रंग लाती दिखाई दे रही है, जिसके तहत इन ग्रामीणों ने 400 साल पुराने बरगद के पेड़ को बचा लिया है। यह पेड़ आजकल सोशल मीडिया पर भी देखने को मिल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार यह पेड़ निर्माणाधीन राजमार्ग के सर्विस रोड के पास से होकर गुजरता था। इसकी वजह से इसे काटने पर सर्विस रोड बनाए जाने की योजना बनाई जा रही थी। ऐसे में इस गांव के लोगों ने इस पेड़ के आसपास ही अपनी मुहिम शुरू कर दी थी। इसके अलावा पर्यावरणवादी कार्यकर्ताओं ने भी इसका पुरजोर विरोध किया था। 16 जुलाई को राज्य के पर्यटन और पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को पत्र जारी किया, जिसके बाद नितिन गडकरी ने उनके अनुरोध पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है कि पेड़ का मुख्य तना जो सर्विस रोड के रास्ते में आ रहा है उसे बरकरार रखा जाएगा, हालांकि इसकी कुछ शाखाओं को जरूर काटा जाएगा। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कोविड-19 के इस माहौल में सरकार के साथ होने की कही बात। जहां हर मुद्दे पर सत्ता पक्ष, पार्टी और विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने नजर आते हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसा पहली बार हुआ है जब कोविड-19 के मामले में दो विपक्षी दल एक साथ नजर आ रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस बात की पुष्टि की है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए राज्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र जारी किया है और सरकार को वैश्विक कोविड-19 के खिलाफ मदद के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। पार्टी ने बीते दिन वाड्रा द्वारा लिखे गए पत्र को साझा भी किया है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस पत्र में साफ तौर पर लिखा है कि कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव के कारण अब देश, गांव, देहात भी अछूता नहीं रहा है। इससे पता चलता है कि सरकार ने नो टेस्ट नो कोरोना की नीति अपनाई है और अब कोविड-19 मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को हमारी तरफ से पूरी मदद है। प्रत्येक कांग्रेस कार्यकर्ता कोविड-19 से निपटने के लिए सरकार का समर्थन करने के लिए तैयार है। उर्जित पटेल की किताब में खुले कई राज। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने अपनी किताब में खुलासा किया है कि जब वो आरबीआई गवर्नर के पद पर थे तो किस बात को लेकर सरकार के साथ उनकी अनबन हुई थी। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने उस वक्त बैंक्रप्सी लॉ के नियम में ढील देने की बात कही थी, जिस पर पटेल राजी नहीं थे और यही से सरकार और आरबीआई गवर्नर का मतभेद शुरू हो गया था। सितंबर 2016 से लेकर दिसंबर 2018 तक आरबीआई गवर्नर के पद पर कार्यरत पटेल ने यह बात अपनी किताब ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर में लिखी है। हालांकि उन्होंने इस किताब में किसी का नाम नहीं लिखा है, लेकिन 2018 के मध्य में जिस वक्त की बात हो रही है वो उस दौर में था जब पीयूष गोयल को कुछ वक्त के लिए वित्त मंत्री का कार्यभार सौंप दिया गया था। यह बात थी मई 2018 से अगस्त 2018 के बीच की, जब पटेल ने अपनी किताब में लिखा है कि 2018 के बीच में दिवालिया मामलों के लिए फैसले लिए गए थे और तब अधिकतर कामों के लिए वित्त मंत्री और उर्जित पटेल मामलों से जुड़ी बातों को लेकर एक ही लेवल पर थे। पीयूष गोयल ने मीडिया से बातचीत के दौरान सर्कुलर मिलाने की बात कही थी और किसी भी लोन को 90 दिन के बाद एनपीए घोषित किए जाने की बात कही थी, मगर आरबीआई चाहता था कि कानून को सख्त बनाया जाए और यही कारण है कि सरकार और उर्जित पटेल के बीच में अनबन की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। रिलीज होने के कुछ ही घंटे बाद सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म हुई लीक। सुशांत सिंह राजपूत की अंतिम फिल्म दिल बेचारा को अपने वादे अनुसार 24 जुलाई को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दिया गया था। इस फिल्म को देखकर फैंस की आंखें नम हो गई। फैंस को यह फिल्म इतनी ज्यादा पसंद आई कि दिल बेचारा को IMDb रेटिंग पर रिकॉर्ड कायम कर दिया है। इस फिल्म को एक समय पर 10 में से पूरे 10 की रेटिंग मिली है, जो अपने आप में एक नई रिकॉर्ड है। हालांकि रिलीज के कुछ वक्त बाद ही इस
इस फिल्म को लीक होने की खबर सामने आई है। इस फिल्म को खत्री माजा रॉक्स नाम की वेबसाइट ने लीक कर दिया है। ऑनलाइन शॉपिंग वालों के लिए 27 जुलाई से लागू हुए कुछ अहम नियम। भारत में ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों की कतार काफी लंबी है। वहीं मोदी सरकार ने ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों को बड़ी खुशखबरी दी है। केंद्र सरकार ने 27 जुलाई से देश में ई कॉमर्स कंपनियों के लिए नए नियम को लागू कर दिया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंदर ही ई कॉमर्स कंपनियों पर नए नियम लागू कर दिए गए हैं। यह कानून भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का ही हिस्सा होंगे। 20 जुलाई 2020 से ही देश में लागू किया जाना था, लेकिन इसको अब 27 जुलाई को पूरे देश में लागू किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, 20 जुलाई से पूरे देश में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लागू है। उपभोक्ता एवं खाद्य मामलों के मंत्री रामविलास पासवान 27 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका ऐलान करेंगे। इस नए नियम के लागू हो जाने के बाद ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों के साथ अब किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होगी। बंगाल में सप्ताह में 2 दिनों तक बंद रहेगी ट्रेन। वर्तमान समय में सभी राज्य सरकारों के लिए कोविड-19 को नियंत्रण करना, साथ ही अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना एक चुनौती बन गई है। ऐसा ही हाल पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा राज्य में संपूर्ण रूप से लॉकडाउन की घोषणा के बाद पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी रेलवे ने हावड़ा से परिचालित होने वाले 25 जुलाई को पहुंचने वाले कुछ ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। पूर्वी रेलवे की एक अधिकारी ने बताया कि हावड़ा पटना और पटना हावड़ा विशेष ट्रेन शनिवार को रद्द रहेगी। मिली जानकारी के अनुसार कोविड-19 संक्रमण को नियंत्रण में करने के लिए राज्य सरकार ने 23 जुलाई और 25 जुलाई को एक सप्ताह में और 29 जुलाई को अगले सप्ताह में पूरी तरीके से बंद करने की घोषणा की है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और यही कारण है कि एक बार फिर से वहां पर लॉकडाउन लगाया गया है। आईपीएल में धोनी पर रहेगी सभी की नजर। महेंद्र सिंह धोनी की वापसी को लेकर के सभी अटकलें खत्म होने वाले हैं, क्योंकि बीसीसीआई ने आईपीएल के आयोजन की तारीख की घोषणा कर दी है, जिसके बाद अब सबकी नजर महेंद्र सिंह धोनी पर होगी। यह सिर्फ प्रशंसकों का ही मानना नहीं है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज और कमेंटेटर डीन जोन्स का भी यही मानना है। उन्हें भी यही लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी का आईपीएल में परफॉर्मेंस अभी इस भारतीय टीम के लिए उनकी वापसी को लेकर काफी मायने रखेगा। जोन्स के अनुसार कोविड-19 के कारण मिला ब्रेक पूर्व कप्तान के लिए फायदेमंद साबित होगा। समय तो लग रहा है कि भारतीय टीम के सिलेक्टर्स केएल राहुल और ऋषभ पंत के साथ है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर धोनी आईपीएल 2020 में अच्छा खेलते हैं तो वो टीम में वापसी कर सकते हैं, लेकिन अगर वो अच्छा नहीं खेलते हैं तो कभी दोबारा भारत के लिए नहीं खेल पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार सितंबर महीने में आयोजित होने वाला आईपीएल महेंद्र सिंह धोनी के लिए कितना महत्वपूर्ण है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और